स्वागत है तुम्हारा। अपना ख्याल रखना। नेपथ्य की ग्लास और प्लेट हम लोगों से अलग रखी जाती है। ध्यान रखना, जो उसकी चीजों को हाथ लगाता है वो उससे बहुत तकलीफ देती है। उसकी चाय कड़क होनी चाहिए। याद रखना, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तुम्हें तो खांसी आ रही है। यहाँ लिंडन टी है क्या? वो तुम्हारी खांसी के लिए अच्छी है। तुम पहले उसे चाय दे दो, वरना वो गुस्सा करेगी। शुक्रिया। चलो जल्दी करो, जल्दी। तुम्हारा बिस्तर यहाँ ये वाला होगा, और वो कैबिनेट भी तुम्हारा ही है। ऊपर वाला उसकी रक्षा करे, नहीं तो तुम्हें यहाँ आने की कोई वजह ही नहीं थी ना। बेटा सुनो, मैं यहाँ बहुत समय से आ रहा हूँ। मेरी पत्नी काफी लंबे समय से यहाँ कैद है, पर मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो फिर आपको पता होगा कि जेल कैसी है ना? ठंडी। मुझे नहीं पता कि वो सच में ठंडी है या वो कैदियों के अकेलेपन की वजह से ठंड लगती है। मैंने जेल से कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनी सच में। खास तौर पर पहले कुछ दिनों में बहुत अकेलापन महसूस होता है, कह रहा हूँ तुमसे मैं। मतलब मेरा नहीं, मेरी बीवी का अनुभव है ये। चलो अब मुझे जाना है। तुम दुखी मत हो बेटा, कुछ समय में इसकी आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे सबसे मुश्किल चीजों की भी आदत पड़ जाती है।
अपना ख्याल रखना। उन्होंने कहा कि ठंड है, क्या अंदर वाकई ठंड होगी? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे पेन और पेपर मिल सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि गले लगाकर मैं तुम्हें गर्माहट नहीं दे सकता, तो ये लो बेटा पेन और पेपर। क्या आप सूप लेना चाहेंगे? दाल का सूप है बेटा। हाँ शुक्रिया। ठीक है बेटा, अभी लाया। मेरी प्यारी वाइफ, ऐसा लग रहा है कि कई साल बीत गए ना कि कुछ घंटे। अब जब तुम वहां हो तो मेरा सिर्फ यहां शरीर है, बाकी कुछ भी नहीं। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी आंखें, मेरी मुस्कुराहट, सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास। तुम्हारे बगैर मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। ऐसा लगता है सब कुछ रुक सा गया है। ना मैं जी सकता हूं, ना मैं रुक सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं एक रेगिस्तान में भटक रहा हूं और मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तुम मेरा सब कुछ हो। यकीन करो, हमारी जुदाई ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा और वहां से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी जगह वही है जहां मैं हूं, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। I love you। मैं इस दुनिया में तुमसे हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। आखिर वो कब तक उसका इंतजार करेगा? कभी ना कभी तो सच्चाई मानकर घर आना ही पड़ेगा उसे। निगार, निगार, मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। मैंने प्रोसिक्यूटर के साथ मीटिंग अरेंज कर दी है। ये तो अच्छी खबर है। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। उन्हें उस सेल्समैन के बारे में सब बता देना। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वैसे क्या आप उसके साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं?
मैं उससे बात नहीं कर पाया, उसे कंसोल भी नहीं कर पाया, उसे जल्दबाजी में वहां से ले गए। अंकल, मुझे रेहान से मिलना है। मैं उनसे बात करके तुम्हारी मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करूंगा। चलता हूं, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। रेहान तक ये पहुंचा सकते हैं प्लीज? और अगर आप रेहान के लिए एक कंबल का इंतजाम कर दे तो। मैं नहीं चाहता उसे ठंड लगे। हाँ बिल्कुल, मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। कितनी खुशी के साथ वहां मुंह उठाकर बैठी है, कोई शर्म नहीं है नागिन। जब तक वो यहाँ इस घर में है, मुसीबतें आती रहेंगी। मिसेस रेहान को भी मुसीबत में फंसा दिया बदमाश। निगार, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि उनके बारे में ऐसा मत बोलो, तुम कोई सुन लेगा तो क्या होगा? मलिके, क्या ये सब झूठ है? अभी घड़ी का केस खत्म हुआ था, पर अब नई मुसीबत आ गई, सब इसी ने किया है। ठीक है, उससे एक बार गलती हो गई, पर इस बार उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, नहीं तो रेहान उसका साथ नहीं देती। सब कुछ भूल जाइए, ये सब जाविदान का किया धरा है। वो खुश लग रही है, अगर मौका मिले तो खुशी से नाचने लगे। निगार, तुम अपना काम करो, तुमने सुना नहीं? पहले ही बहुत मुसीबत है, तुम और मत बढ़ाओ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है तुम रेहान को लेकर परेशान हो, पर मुझे लगता है शायद वो ठीक होगी। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उसे जेल में जाने से नहीं बचा पाया नरेन। अगर रेहान अपनी बहन के लिए खुद को दांव पर नहीं लगाती तो उसे उससे ज्यादा तकलीफ होती, और उसे पता है कि तुम उसके साथ में हो, उसे हिम्मत मिल रही है, न्याय भी मिल जाएगा। तुम दोनों ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, ये दिन भी निकल जाएंगे। तुम्हें पता है बुरी चीजों से अच्छी चीजें निकल कर आती हैं, मेरी बात का यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, रेहान को न्याय जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल वो बाहर जरूर आएगी, देख लेना। मैंने प्रोसिक्यूटर से बात कर ली है और इस केस के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया, वो नजर रखेंगे, और मैंने तुम्हारी मीटिंग भी अरेंज करवा दी है। समय तय होते ही मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। अमीर, अब घर पर जाकर थोड़ा आराम करो, जब मीटिंग का समय होगा तब आ जाना। मैं कहीं नहीं जा सकता, जैसे ही हमें उससे मिलने की परमिशन मिलेगी मैं मिलने जाऊंगा, मैं उसका इंतजार करूंगा।